नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं आप सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे बर्ड सेटअप में दो पेयर नया मेंबर्स आने वाला है। मैं आज दो पेयर आउल फिंच खरीदने जाऊँगा। आउल फिंच लाने का बहुत दिनों से मेरा इच्छा था, लेकिन वो ला नहीं सका क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था। अभी मुझे ये सूचना मिला है कि सुमन के पास आउल फिंच है, तो चलिए हम लोग आउल फिंच लाकर मेरा सेटअप में रखते हैं। और उसके साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि सुमन के पास क्या क्या पेट का स्टॉक है। तो चलिए सुमन के घर चलते हैं, उनका पेट का स्टॉक भी देखते हैं और आउल फिंच भी लाते हैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आउल फिंच लाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ सुमन के पास आउल फिंच खरीदने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं उनके पास क्या क्या स्टॉक है। देखिए, पहले ही हेजहॉग्स देखने को मिल गया और एक हेजहॉग का बेबी भी है उसके साथ, ये वाइट कलर का है। और इधर देखते हैं क्या क्या है। ये तो एक हैमस्टर है, ये अकेला ही है इस जार में, ये एक्वेरियम में अकेला ही है। और उसके पास उसके बाद भी ये हैमस्टर है, ये भी अकेला है। एक्चुअली ये लोग ब्रीडिंग के लिए एक साथ रखे गए थे मेल फीमेल, लेकिन गर्मी ज़्यादा है इसीलिए उन लोगों को ब्रीडिंग में सुमन ने नहीं बिठाया। तो ये जो हैमस्टर्स है ये अलग अलग करके अलग अलग एक्वेरियम या कांच के पॉट में ये रखा गया है। और ये देखिए, ये जो पहले बेबी निकले थे ये हैमस्टर के बेबीज़ है। देखिए कितने सारे बेबीज़ है, ये बेबी हैमस्टर्स हैं। और जो पहले हम लोगों ने देखा वो एडल्ट मेल और फीमेल हैमस्टर्स हैं, उन लोगों को अलग रखा गया है ताकि अभी ब्रीडिंग ना हो और गर्मी कम होने के बाद ये ब्रीडिंग फिर से स्टार्ट करेगा। और ये भी एक हैमस्टर था। अब देखते हैं बर्ड्स क्या क्या है। इधर देखिए, ये जाभा बर्ड्स है, एक पेयर या दो पेयर वाइट जाभा है, ब्लैक और फॉन भी है जाभा। और उसके बाद इधर बजीज है, ये थोड़ा अलग टाइप का बजीज है, और तीन बजीज है उधर। और ये देखिए लाभबर्ड, लाभबर्ड का स्टॉक तो बहुत ज़्यादा है सुमन के पास अभी। देखिए ये फिशर ग्रुप का लाभबर्ड्स है, ये वायलेट फिशर है, ग्रीन फिशर है और मॉफ भी है, और बहुत सारे वैरायटी का लाभबर्ड्स अभी हैं उनके पास। और इधर देखिए, ये तीन टाइप का फिंच एक साथ रखा हुआ है, ये लॉन्ग टेल फिंचेस है, चार टाइप का फिंच है, लॉन्ग टेल फिंचेस है, गोल्डियन फिंचेस है, और इधर आउल फिंचेस भी इधर ही रखा हुआ है, और कुछ जेवरा फिंचेस भी है। यहीं से मैं लॉन्ग टेल सॉरी आउल फिंच मैं इधर से लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बाकी स्टॉक एक बार चलिए देख लेते हैं। ये जो लाभबर्ड्स है, केज में भी लाभबर्ड्स है। और ये देखिए कितने अच्छे कितने कलरफुल बर्ड्स है, और सभी बर्ड्स एकदम हेल्दी है। और इधर भी लाभबर्ड्स है, और उसके बाद कन्यूर्स भी है। और एक चीज़ आप लोगों से मैं आज शेयर करूंगा, ये देखिए आप लोग इगुआना देखेंगे इसके बाद। ये देखिए तीन केज देखा अभी, तीन केज में ही लाभबर्ड्स है और बहुत सारे हैं। अब आउल फिंच लेने का फैसला दोस्तों मेरा बहुत दिन पहले से ही किया था मैंने, लेकिन आउल फिंच मिला नहीं था किसी भी पेट शॉप में, तो ले नहीं पाया। अब जो मिल गया है तो लेने में आ गया सुमन के पास। ये देखिए उधर कैरी केजेस है, और इधर देखिए ये कन्यूर्स है, ये येलो साइडर कन्यूर्स है। मेरे पास जो बच्चे हुए थे येलो साइडर कन्यूर्स का, वो मैंने सुमन को ही दिया था, लेकिन वो सेल हो गया। अभी ये दूसरा स्टॉक आया है। और इधर देखिए, इधर भी कन्यूर्स है, येलो साइडर एक कन्यूर है इधर, और सन कन्यूर भी है सुमन के पास, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए येलो साइडर नीचे का केज में भी है। और इधर देखिए कॉकाटेल्स है, क्रीम कलर का कॉकाटेल्स है, ब्लैक है और वाइट पैचलेस कॉकाटेल भी है इधर। कॉकाटेल का स्टॉक ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10-12 कॉकाटेल होगा अभी। और ये देखिए ये सन कन्यूर है, ये सुमन का टेम सन कन्यूर है, ये भी सेल के लिए है, अभी ये अकेला है। कुछ दिन पहले 4-5 और सन कन्यूर्स थे, लेकिन वो सेल हो गया। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बताया था आप लोगों को, ये है इगुआना, ये ग्रीन कलर का इगुआना है। ये ग्रीन इगुआना तो आजकल बहुत ही पॉपुलर पेट्स हो गया है, कई लोग ये पाल रहे हैं घर में। ये देखिए,
ये साग सब्जियाँ दिया गया है उन लोगों को खाने के लिए, और ये दो ग्रीन कलर का इगुआना है ये भी सेल के लिए रखा है सुमन ने, और उनके पास फैंसी माइस भी था लेकिन वो सेल आ गया, अभी मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को। और उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को सुमन का अपना एक पेट इगुआना है, वो भी आप दिखाता हूँ। वो सुमन का बहुत ही टेम और पेट इगुआना है, वो सेल के लिए नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को ये इगुआना दिखाता हूँ। देखिए ये है वो इगुआना जो सुमन का अपना पेट है। देखिए इनको भी साग सब्जियाँ दिया गया था खाने के लिए। अभी नज़दीक से आप लोगों को दिखाता हूँ केज खोल के। देखिए देखिए ये इगुआना सुमन का अपना है, ये सुमन का टेम भी है और बहुत दिनों से ये पेट इगुआना है उनका। ये सनकनी उनका केज के ऊपर है, ये देखिए इनका पेट का नीचे का कलर ग्रीन है और कितना लंबा पूंछ है देखिए इनका। तो दोस्तों अभी मेरे आउल फिंचेस को पकड़ने की बारी है। ये इगुआना को अब हम लोग रख देते हैं केज के अंदर और उसके बाद हम लोग आउल फिंच को पकड़ने का काम शुरू करते हैं। तो चलिए उनको ले लेते हैं। फिंचेस को पकड़ना हम लोगों ने शुरू कर दिया दोस्तों। देखिए कैरी केज तो मैं लाया था, ये सुमन अभी फिंचेस को पकड़ना शुरू करेगा। ये आउल फिंचेस मैं ले जाऊंगा दो पेयर। ये देखिए पहला पकड़ लिया। एक्चुअली ये सारे फिंचेस एक साथ है तो पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए आउल फिंच देखने में कितना क्यूट है। ये अब दूसरा वाला पकड़ने वाला है। ये बाकी फिंचेस इधर उधर आ रहा है, ये दूसरा भी पकड़ लिया और दोनों को पकड़ना है। पकड़ने के बाद मैं ले जाकर मेरे बार सेटअप में उन लोगों को रखूँगा। तो ये देखिए ये तीसरा भी हाथ में आ गया है और एक लॉन्ग टेल फिंच उसके हाथ के ऊपर बैठ गया, वो निकल गया है। अभी ये तीसरे को भी केज में डाल दिया हम लोगों ने। अब ये चौथा वाला लेना है और उसके बाद जाकर मेरा बार्ड सेटअप में उन लोगों को रखना है। मेरा बार्ड सेटअप में दो पेयर जो बंगाली फिंचेस है उनके साथ मैं रखूँगा इन लोगों को। तो चलिए पकड़ना कंप्लीट हो गया, अभी निकलते हैं। दोस्तों आउल फिंचेस आ गया है मेरे सेटअप में। ये देखिए अभी तक वो कैरी केज में ही है। ये निकलकर मैं उन लोगों को ये जो दो पेयर बंगाली फिंचेस है उनके साथ अभी रखने वाला हूँ और उसके बाद अगर ज़रूरत हुआ तो उन लोगों को सेपरेट केज में रखेंगे। एक्चुअली जो दो पेयर बंगाली फिंचेस है उनके लिए मैंने 5 नेस्ट लगाया हुआ है तो दो पेयर के लिए दो ही नेस्ट की ज़रूरत होगा, और ये जो दो पेयर आउल फिंचेस मैंने लाया उनके लिए भी अभी 3 नेस्ट रेडी है और उनको भी दो नेस्ट की ज़रूरत होगा क्योंकि ये दो पेयर है तो एक नेस्ट तब भी एक्स्ट्रा रहेगा। इसीलिए मैंने उन लोगों को अभी इस केज में रख दिया है। देखिए ये एक एक करके निकल रहा है और निकलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे दिखने में लगता है। ये देखिए नेस्ट तो लगाया हुआ है और बंगाली फिंचेस भी है इधर और उसके साथ ये आउल फिंचेस भी रहेगा। कुछ दिन तो यहीं रहेगा और अगर ज़रूरत हुआ तो मैं उन लोगों को सेपरेट केज में रखूँगा। अब ये मिलाकर मेरे पास 5 टाइप का फिंच हो गया। आउल फिंचेस, बंगाली फिंचेस, ज़ेब्रा फिंचेस, लॉन्ग टेल फिंचेस एंड गोल्डियन फिंचेस। 5 तरह का फिंचेस मेरे पास अभी है। ये देखिए एक तो नीचे बैठा हुआ है और 3 पार्च के ऊपर जाके बैठ गया। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आउल फिंच लाऊंगा तो मिल गया मुझे, इसीलिए मैं ले आया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखने में बहुत ही अच्छा है और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आउल फिंच लूँगा लेकिन मिला नहीं था, अभी मैं लाया हूँ। देखिए कितना अच्छा ये फिंचेस लग रहे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को शेयर करना दोस्तों में। एक बार फिर से आप लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अच्छे रहिए, अपने बर्ड्स को भी अच्छे रखिए। नमस्कार।